चढ़दिकला जी, चढ़दिकला YouTube फैमिली, चढ़दिकला ही होना चाहिए। होप आप सभी लोग अपने घर पे अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आ गया हूँ अपने पांचवे ज्योतिर्लिंग यानी श्री गगनेश्वर पे, ज्योतिर्लिंग पे, जिसमें आप सभी का स्वागत है। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं मैं उनको ये बता दूँ कि हम निकले हैं पांच ज्योतिर्लिंग करने अपनी कार से यानी बाय रोड। तो ये हमारे बाय रोड ट्रिप का पांचवा ज्योतिर्लिंग है। और जब आप ये ज्योतिर्लिंग की वीडियो देख रहे होंगे उसी ड्यूरेशन में दिवाली सीजन यानी दिवाली हमारे जो देश का पर्व है वो बनाया जा रहा होगा। तो उसके लिए आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली टू आवर फैमिली, पूरे देश को हैप्पी दिवाली हमारे चैनल की तरफ से। तो गाइस आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं और आपको करवाते हैं श्री गगनेश्वर के दर्शन। अभी हम चलते हैं आप सभी के साथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने यानी दर्शन करने हमारे पांचवें ज्योतिर्लिंग पे। तो गाइस लेट्स गो। बात जिंदगी की हो या सफर की, कभी कभी ना बस ऐसे ही निकल जाओ बिना किसी तैयारी के, बिना आगे का सोचे हुए, क्योंकि बड़ी सफलता ना बड़े रिस्क लेने पर ही मिलती है। हजार बार गलत जाओगे तो चार बार सही भी तो जाओगे, और वो कहते हैं ना कि मंजिलें रास्तों पर खोने पर ही मिलती हैं, घर पे सोने से नहीं। तो फैमिली मैं आ गया हूँ गगनेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि भारत के मध्य में स्थित है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद से 23 किलोमीटर की दूरी पर बेल्लूर एक गांव है वहां पर पड़ता है। और आप ट्रेन से आने के लिए अपनी औरंगाबाद तक की टिकट बुक कर सकते हैं, और औरंगाबाद स्टेशन के बाहर से ही आपको बस और ऑटो शेयरिंग मिल जाएंगे। और बस के जो चार्जेस पड़ेंगे वो 50 रुपीज़ पर पर्सन के चार्जेस हैं। महाराष्ट्र का ये बेल्लूर गाँव ना ही ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यहाँ की वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जो अलोरा केव्स हैं वो भी यहीं पर ही स्थित हैं। गाइस मैं आ गया हूँ गगनेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। अब आप देख पाएंगे ये छोटा सा जो सकरा सा रास्ता है यही मंदिर की तरफ जाएगा, ये मेन एंट्री है। और ये छोटी सी मार्केट आप देख पाएंगे ये बिल्कुल मेन गेट के पास में बनी हुई है। आप यहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं और मोबाइल आपको अलाउड नहीं है ले जाना, मोबाइल आपको जमा ही कराना होगा। फैमिली ये 12वां ज्योतिर्लिंग है जो शिव जी का, मैं यहाँ आ गया हूँ। यहाँ पे एक ना परंपरा है जो कहा जाता है कि जितने भी जेंट्स होते हैं वो अपना शर्ट टी शर्ट और सैंडोज वगैरह सबको उतार के ही अंदर जाना है गर्भगृह में दर्शन करने के लिए। फैमिली आइए अब दर्शन करते हैं और आप सभी को दर्शन करवाते हैं। आइए साथ में दर्शन करते हैं। जय भोलेनाथ। तो गाइज अगर आप चाहें तो यहाँ पे पूजा अर्चना करा सकते हैं, उसके नॉमिनल से चार्जेस हैं जो आपको बेयर करने होंगे। एंड यहाँ पे कोई भी वीआईपी एंट्री नहीं है तो आप आराम से नॉर्मल लाइन में 10 मिनट में दर्शन कर सकते हैं। भगवान शिव की ये इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग की स्थापित होने की जो कहानी है वो इस तीर्थ कुंड से जुड़ी हुई है। कहा यह जाता है कि खुशमा नाम की शिव जी की एक भक्त यहाँ रहती थी जो इस कुंड में 108 शिवलिंग रोज विसर्जित करती थी। ये जाता है कि वो शिव जी के बहुत प्रिय थी और एक दिन उसकी बड़ी बहन ने उसके पुत्र को मार के इस कुंड में फेंक दिया। और जब वो अगले दिन उस कुंड में अपनी पूजा अर्चना करने आई तो उसका पुत्र इसी जो कुंड से जीवित होके निकला। के शिव जी ना बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कुष्मा उनको शांत हो जाने के लिए कहती है, और कुष्मा जब शांत करा देती है तो उसके बाद वो आग्रह करती है शिव जी से कि हमेशा हमेशा के लिए इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाए। 16वीं शताब्दी में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने की बहुत बार कोशिश भी करी लेकिन वो नाकाम रहा, क्योंकि उस समय इस मंदिर का गेट बहुत छोटा था और जिसमें झुक के जाना पड़ता था और झुकना औरंगजेब को गवारा नहीं था। शिव जी की ज्योतिर्लिंग की रूप की पूजा तो यहाँ पर सदियों से होती आई है, लेकिन आज जो ये आप मंदिर देख रहे हैं
ये 16वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इसे बनवाया था और मंदिर पे की गई ये शिल्पकारी यानी कार्विंग देखते ही बनती है, बहुत ही सुंदर लगती है।